खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग की खबर है। फायरिंग में हालांकि बाल बाल बच गए हैं शिव सिंह शेखावत। चार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले ही हत्या की आशंका भी उनके जरिए जताई गई थी और ऐसे में फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग में बाल बाल बच गए हैं शिव सिंह शेखावत। दो गुटों के बीच में, दो संगठनों के बीच में ये पूरी झड़प की खबर है, जहां पर एक तरफ राजपूत करणी सेना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय करणी सेना आमने सामने रही। दोनों में कहासुनी हुई, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इसमें सिर्फ मारपीट या कहासुनी तक ही नौबत नहीं रही, फायरिंग तक यहां हो गई। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं शिव सिंह शेखावत, जिन पर फायरिंग की भी खबर है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठनों के बीच में बीते शुक्रवार ही झड़प हुई है, जिसमें श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जख्मी हो गए। पुलिस ने जानकारी दी, उन्हें बताया गया कि ये घटना चित्रकूट थाना की है। पुलिस ने बताया कि महिपाल सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज वहां पर चल रहा है। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह के बीच में हाथापाई तक हो गई। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से गोली का खाली खोखा मिला है। थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना और इसमें फायरिंग होने की सूचना मिली, इसमें पुलिस हमारे मौके पर पहुंची, इसमें खाली केस इत्यादि जो है मौके पर मिला है। तो इस घटना की पुष्टि की जा रही है, फायरिंग से किसी को कोई चोट होने की कोई किसी तरह की बात सामने नहीं है। मारपीट में चोट लगी है, उसकी इलाज है। अभी तक कोई हिरासत में? अभी दोनों पक्षों से पूछताछ चल रही है, उस पर अग्नि विधि से कार्रवाई, जैसा रिपोर्ट और अन्य जो फुटेज वगैरह और अन्य जो जांच से तथ्य सामने आएंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में क्या सामने आया? अभी वो चल रही है। मारना था मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से हर दिन से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा, उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ते ये देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला उसने कहा बना सॉरी, मैंने कहा यार ये मजबूर है, मेरे गनमैन ने राउंड डाल के फायर मारने वाला था। मैंने कहा जितने में वो दूसरे लग गया पैंट में पेशाब कर दिया तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार इसके, मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रजाउल्ला खान ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, राष्ट्रीय करणी सेना, राजपूत करणी सेना दोनों ही गुटों के बीच में संघर्ष की स्थिति फिर ऐसी रही कि सिर्फ गाली गलौज या मारपीट तक नहीं रही, फायरिंग हुई है। पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, कल देर रात को जिस तरीके से राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में दो राजपूत के वरिष्ठ नेताओं के बीच, चाहे महिपाल सिंह मकराना हो या फिर शिव सिंह शेखावत हो, इन दोनों के बीच जिस तरीके से कल रात को बड़ा झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद जो फायरिंग की बात है वो सामने आ रही थी। बाकायदा पुलिस ने भी इस फायरिंग की जो है तस्दीक कर दी है। हालांकि जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस की जिस तरीके से गोली चली थी, गोली किसी को नहीं लगी। हालांकि झगड़े के अंदर महिपाल सिंह मकराना घायल हुए हैं और उनका घायल का जो अस्पताल के अंदर बाकायदा इलाज चल रहा है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दोनों तरफ से ही जो दौर है वो लगातार जारी है। जहां एक तरफ शिव सिंह शेखावत महिपाल सिंह मकराना पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिपाल सिंह मकराना है। रजाउल्ला, नजर आप बनाए रखिएगा, अभी के लिए शुक्रिया आपका।